दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश, और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लच का ईयर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, क्लच का ईयर निकालना तो एक लगता है कि छोटा सा काम है, मगर अभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर समझ में आ गया और ईयर निकल गया तो बहुत छोटा सा चीज़ है, और नहीं तो कभी कभी इतना परेशान होना पड़ता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कितना परेशान हुए हैं और हम लोग क्या क्या किए हैं उसके बाद हमारा ईयर निकला है और क्या दिक्कत हुआ था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो कभी भी क्लच का ईयर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने दोनों सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर, दोनों सिलेंडर भी चेंज कर दिए थे, और इसमें जो है कि हम लोग बहुत परेशान हुए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टाइट हो गया पूरा। आप देख सकते हैं, जब आपके लाइन में एयर नहीं रहेगा तो बराबर आयल इसी तरह आएगा बिना पैडल वेडल मारे हुए, और वहीं अगर एयर रहेगा तो यहाँ पुछ 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 करके आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर नहीं है हमारे लाइन में। फुल है ना बाबू? टंकी टंकी खाली ना हो। ओके जब पेंडल दबा रहे थे तो ऑयल आ रहा था, प्रेशर से पेंडल दबा रहे थे तो फेंक रहा था, रुक रहा था, फेंक रहा था, रुक रहा था। तो पेंडल दबाएंगे तो रुकेगा, हाँ, छोड़ेंगे तो रुकेगा हाँ, ना। फेंक रहा था, रुक रहा था, उसके बाद एक सरले धार में आ रहा था। हाँ से दबाइएगा, फिर छोड़िएगा, 4-5 बार दबाइएगा, मतलब दीजिएगा। रुक रुक के थोड़ा, हाँ, एक आध सेकंड रुक करके, 10 सेकंड, 2-4-5 सेकंड रुक करके दबाऊंगा, फिर छोड़ूंगा, दबाऊंगा फिर छोड़ूंगा, 5 बार दबा करके, हाँ, और उसके बाद फिर दबा करके रख के बोलूंगा। मोबाइल हाँ। बराबर आ रहा है कि और ज्यादा आएगा? वायल भर के रखना, वायल खाली ना हो। चलेगा, बैठाइए उसको। चल गया, सीधे जाइए पैडल पे, बैठिए पैडल पे। हाँ। मैं बैठूंगी, बाबू को बैठाऊं। अब बाबू सीधे जाइए, आप उससे जाइए, वो ऑयल डालें। ले जाओ, ये बढ़ गया क्या? नहीं,
बोलिएगा, मार रहा है पैडल? हाँ दबाए हैं। ठीक है छोड़ दिया, छोड़ा हूँ। ठीक है 3-4 बार दबाना। दस बार हो गया, छोड़े, छोड़ दिया हूँ। बराबर आ रहा है, यहां से देख लीजिए ना हैंडल के। ये चारों बोल्ट इसलिए खोल रहे हैं कि इनको डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिस्टन जो है इसका जा करके प्रॉप पे बराबर बैठा या नहीं बैठा। हालांकि वो बैठा हुआ है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, और जब भी प्रॉप पे बराबर बैठेगा तो थोड़ा सा टाइट चढ़ता है बोल्ट। कुछ मत करना बाबू, अभी बैठा हुआ था ना, क्योंकि मेरे को जब वो नहीं हुआ ना तो मैं इसको खोल करके, पतला हाथ है मेरा, मैं हाथ डाल करके वहां देखा कि बैठा है कि नहीं। इस बोल्ट को पूरा खोल करके और यहां से मैं हाथ डाल करके यहां देखा कि क्या पता, हालांकि लोड में गया।
वगैरह ऐसे पेंडल दबाइएगा, पेडल दबाओ तो देखें। दबाओ पेडल दबाओ, छोड़ो छोड़ो, दबा के छोड़ो, दबा करके छोड़ो, दबाओ, अरे दबाओ, अभी क्या करना है, दबाना है, छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ, पकड़ के रखना, रुकना है, छोड़ना है, दबाओ, हाँ रख, रुको उतने पे, रुक तो रहा है, कम दब रहा है, ये तो है। इतना पे अगर हार्ड होता क्लच तो इनके हाथ से रोकने माने का चीज़ नहीं था, वो झटका मारता आगे की तरफ, मगर ये हार्ड नहीं है। लाइट दिखाइए, लाइट, एक दो तीन चार पाँच, दबाया हूँ, दबा के रखा हूँ, खोलिए, दबा के रखा हूँ, छोड़ा हूँ, हाँ दबाया हूँ, हाँ बोलिएगा, दबा के रखूँ, दबा के रखा हूँ, छोड़ू, छोड़ दिया, दबाऊं, दबाया हूं, हाँ ठीक है, तीन चार बार दबा रहा हूं, हाँ दबा के रखा हूं, दबा के रखा हूं, ओके दबा के रखा हूं, बोलिएगा, छोड़ के दबा रहा हूं, दबा के रखूं, पट्टी पाना नहीं है बारह का, होगा कहीं यार, उस थैला में देखो ना, अपने वाला में,
देखिए कितना बराबर आयल आ रहा है, एयर बहुत कम था फिर भी पैडल हार्ड नहीं। टंकी में आयल देखे हमारा था, गिरा था आयल, टंकी में आयल देख ले, आयल गिरा था। बड़ा वाला बोतल मांग रहा है ना सर, ले जाओ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा एयर निकाल रहे हैं नेपल से, इतना आयल निकल रहा है और फिर हम पलटी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि नेपल से हमारे एकदम एक तार से बराबर आयल आ रहा है, फिर भी जो है कि हमारा पैडल हार्ड नहीं हो रहा है। और ये हमारा पुराना जो टंकी है ये टूट गया था, तो फिर दोबारा ये टंकी बना के डाले हैं, और ये भी इसका ढक्कन भी ख़त्म हो गया है, तो हमें नया टंकी भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम वीडियो में डाल देंगे। ये हमारा मास्टर सिलेंडर है और ये हमारा भील सिलेंडर है बड़ा वाला, ये दोनों चेंज करके भी हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाइक के ट्यूब का नेपल है, जो नलकी हम लोग बोलते हैं, इस नलकी को मैं ले लिया हूँ और इसका बोल्ट ले लिया हूँ और वाशर बना लिया हूँ जुगाड़ से, बोतल में छेद किए गरम करके, और एक ब्रेदर के लिए इसमें होल मार दिए देख रहे हैं स्विच गरम करके, और ये हमारा डब्बा कंप्लीट हो गया, टाइट कर दिए। तो इस तरह से जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो डब्बा बना लीजिए। कहते हैं कि हमने ये मास्टर सिलेंडर भी खोल दिया, हमारा किट भी बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर हमने नया भी डाला, पुराना वाला भी सही है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम जो है इधर अब जो है कि उल्टा नेपल से ऑयल चढ़ा रहे हैं और हमारे टंकी में ऑयल बढ़ रहा है, जो भी हमारा ये सबसे अच्छा तरीका है एयर निकालने का, एक जो भी हमारा ऑयल होगा टंकी में चला जाएगा और उस पर हम पैडल करेंगे तो भी हो जाएगा, मगर ये भी तरीका हमारा यहाँ पे फेल रहा। और आगे भी आप देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका है, अपना एयर बना लीजिए, एयर टंकी से पाइप एक लाइए और गाड़ी को स्टार्ट रखिए और पॉडल मारिए, पॉडल मारिए होल करके या कहीं से, मतलब पॉडल हो रहा है, हवा का हल्का प्रेशर दीजिए और पैडल मारिए, हार्ड नहीं हो रहा, आपका एयर निकल जाएगा। मगर ये भी हमारा तरीका फेल रहा है, यहाँ पे एयर निकालने का जो भी तरीका है सारे तरीका हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं, आप देख सकते हैं पैडल हमारा एकदम लूज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी आगे देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। कुछ हुआ है वहाँ, वहाँ कुछ हो रहा है, गड़िया बंद कर दूंगा, तैयार हुआ जो है। हम लोग पाइप चेंज कर दिए हैं, नीचे का मेटल पाइप डाल दिए हैं, अब देखिए हम लोग एयर का प्रेशर मार रहे हैं टंकी में, ज़्यादा एयर निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आयल जो है पाइप में भर जाएगा बहुत जल्दी। और उसके बाद देखिए आप हमारा पाइप चेंज है, और देखिए मात्र चार पंप के बाद जो है हमारा पैडल हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होते ही आवाज़ यहाँ से आना शुरू हो जाएगा पहुँचो करने का, आप देख सकते हैं। चलते ना यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेटल पाइप हम लोग लगा दिए ऑयल वाली,
और यहाँ पे मात्र चार पंप करने के बाद एयर मार करके और हमारा जो है कि पैडल हार्ड हो गया। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है, और उस टाइम बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आ रहा था। यहाँ पे पाइप अपना खुल जा रहा था, और हम पाइप डालते समय माफ कीजिएगा, हम लोग थोड़ा पाइप डालने में परेशान थे, इसलिए पाइप डालने का हम वीडियो नहीं दिखा पाए हैं। मगर आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। बाकी पाइप जो कसा हुआ है वो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे हमने पैडल किया, हार्ड हो गया पैडल, और हम गाड़ी आगे अपना काम करेंगे। ये जो नया वाला पाइप है ना, वही जो क्या हुआ है, के चलते ना वो काम हुआ हार्ड हुआ। आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है, आप खुद ही देखिए। जब एयर हमारा निकल जाएगा तो इस तरह से पिचकारी की तरह पूरा आएगा, जब प्रेशर रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो नॉर्मल तरीके से आएगा। पैडल कीजिए। तो अब हमारा हार्ड हो चुका है, और अभी आवाज़ से भी देख रहे हैं आप, पूरा चूँ चूँ मार रहा है। तो हमारा एयर कम्प्लीट हो गया है, निकल गया है, और हमारा क्या है कि चालू हो गया, क्लच हमारा ओके हो गया। पाइप वो दिखा देना थोड़ा, पाइप जो लगा है ना, ये पाइप हम लोगों ने मेटल पाइप डाला तब जाकर के सक्सेस हुआ, क्योंकि पुराना पाइप जो था आप देखे होंगे होस पाइप था हाइड्रोलिक का, जो फूल जा रहा था, इसको इससे हम लोग परेशान थे, और क्लच हमारा हार्ड नहीं हो रहा था, इसको चेंज करते ही पांच पैडल में तो कर लिया। हाँ आप देख सकते हैं ये हमारा मेटल पाइप भी लगा दिए यहाँ, और यहाँ फिटिंग हमें चेंज करना पड़ा। मारो पेडल मारो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्लच का आवाज़ कितना हो रहा है, तो जब हमारा क्लच होगा तो आवाज़ आएगा और पाइप में वाइब्रेशन रहेगा। बस दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा, और शायद आपको वीडियो में कहीं कहीं नहीं समझ में आया होगा, तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या था। तो इस वीडियो में आप देखे होंगे कि क्लच के एयर हम लोग कैसे निकाले हैं, हम लोगों ने पैडल मार करके भी एयर निकाला, उसके बाद जो है कि डायरेक्ट जो है पैडल छोड़ करके डायरेक्ट आप देखें कि 2 लीटर 3 लीटर ब्रेक आयल हम लोगों ने निकाला, और बिल्कुल एक तार के हिसाब से आयल गिर रहा था, और फिर भी एयर हमारे लाइन में नहीं था, फिर भी हमारा पंप हार्ड नहीं हो रहा था। और एक छोटा सा दिक्कत था जो हम लोग पहले नहीं पकड़ पाए, और बाद में हम लोगों के पकड़ में आया, जो हमारे क्लच का पाइप लगा हुआ था वो हाइड्रोलिक पाइप था, और हाइड्रोलिक पाइप कुछ दिन चलने के बाद
या तो इसमें कुछ दिक्कत आ गया था, और नहीं तो हम लोगों को ये लगा बाद में कहीं लीकेज भी नहीं था। हम लोगों ने टंकी भी चेंज कर दिया, टंकी भी आप देखे होंगे कि हमने जुगाड़ से बनाया। बाद में हम लोगों ने मेटल पाइप लगाया, और मेटल पाइप भी नहीं हुआ तो मेटल पाइप को फिर हम लोगों ने दो पाइप लिया, टाटा का क्लच पाइप, और ले करके उसको सोल्डिंग करवाया दो पाइप को जोड़ करके। 4.5 मीटर मेरा लेंथ आया, और सोल्डिंग करवाने के बाद जो है कि उसका फिर फिटिंग जो था 14 का उसमें ठेड आ रहा था। उसके बाद इधर जो व्हील सिलेंडर में और मास्टर सिलेंडर में था वो 17 का ठेड था, तो फिर उसका हम लोगों ने फिटिंग लिया और फिर उसको फिट करके, और जब हम लोगों ने इसको लगाया तो हमारा काम हुआ। उससे पहले आप देखे होंगे कि हम लोगों ने उल्टा आयल भी चढ़ाया, देखे होंगे कि हमने छोटा सा उसमें वीडियो में होगा कि हम लोगों ने बोतल से आयल घींच करके ऊपर बूम के ऊपर रख करके और उल्टा नेपल से आयल चढ़ाया। टंकी में आयल बढ़ने लगा, फिर भी हमारा पैडल हार्ड नहीं हो रहा था। और इस पाइप को चेंज करते ही सिर्फ 2 से 3 पैडल मारने के बाद हमारा पूरा पैडल हार्ड हो गया, और जो है कि हमारे क्लच का एयर आराम से निकल गया। उसमें दिक्कत यही था कि हमारा पाइप फूल जा रहा था, जैसे ही हम पैडल करते थे पाइप फूल जाता था और फिर वापस मतलब हार्ड नहीं हो पाता था क्लच। और इस तरह से हम लोगों ने बहुत परेशान हुआ, फिर जो है कि हमारा काम पाइप चेंज करने से हो गया। तो कभी भी आप लोग जब भी क्लच का काम करें तो एयर आप इस हिसाब से निकालें, और इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और जब भी आपका डब्बा फूटता है छोटा मोटा, तो जिस तरह से मैं बनाया हूँ, बाकी जुगाड़ तो आप देख चुके हैं, तो जुगाड़ तो बहुत काम आता है, और जुगाड़ ही काम आया इसमें। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपके काम का थोड़ा भी हो तो अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।